कोरोना महामारी का ऐसा दुष्प्रभाव फैला कि भक्तों को भगवान से भी दूर होना पड़ा। ये महामारी भक्तों में न फैले इसके लिए सरकार और मंदिर प्रबंधन ने भक्तों के आने पर रोक लगा दी थी, जो लंबे इंतजार के बाद हटा दी गई है। अब भक्त भगवान के दर्शन लाभ प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन भी करना पड़ेगा। इसी क्रम में सलकनपुर देवी धाम के पट सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। भक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मां के दर्शन कर सकेंगे। सलकनपुर में मां बीजासन मंदिर के कपाट खुलने पर विदिशा बुधनी सांसद रमाकांत भार्गव ने भी दर्शन किए और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक रखी, जिसमें जिला सीहोर कलेक्टर अजय गुप्ता, पुलिस अधीक्षक सीहोर शिशेंद्र चौहान और पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौजूद रहे। मीटिंग में मंदिर की उचित व्यवस्था के निर्देश दिए गए, साथ ही मंदिर में शासकीय गाइडलाइन सफलता से पालन करने की भी बात कही गई। आज पहले दिन श्रद्धालुओं की कमी देखी गई। दर्शन व्यवस्था में मंदिर के गर्भगृह से दर्शन नहीं होंगे, मंदिर में हॉल में दर्शन की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ डॉक्टरों की एक टीम भी मंदिर में मौजूद रहेगी, जो सभी की जांच के बाद मंदिर में प्रवेश देगी। लॉकडाउन के बाद माँ देवी सलकनपुर धाम में आज दर्शन करने आए हैं। हम सभी साथी उन्हें माता जी से प्रार्थना की कि हमारा प्रदेश और हमारा देश कोरोना की बीमारी है उससे जल्दी मुक्त हो। यहाँ पर सलकनपुर देवी का मंदिर जो है पिछले 72 दिनों से लॉकडाउन के कारण बंद था, आज से उसकी ओपनिंग की गई है। उसके लिए यहाँ पर हमको स्वास्थ्य सेवाएं देनी पड़ेंगी। जितने भी दर्शनार्थी यहाँ पर आएंगे उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और ये देखा जाएगा कि किसी को भी कोई तकलीफ तो नहीं है। हर दर्शनार्थी जो आएगा पहले उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी, उसके बाद ही उसे मंदिर के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। देखिए, मंदिर लंबे समय बाद ओपन हो रहा है। माता जी रानी के यहाँ असंख्य संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो मुख्य हमारे सामने चुनौती रहेगी जो SOP के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना और सुरक्षा व्यवस्था देना। और हम लोग ने पूरा प्लान कर लिया है SDP साहब और हमारे TA साहब ने कि किस तरह से इसको रेगुलेट करना है, किस तरह से नियमित कराना है और सुरक्षा के साथ साथ सोशल डिस्टेंस का पालन कराकर दर्शन करना। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।